वहीं चारधाम यात्रा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यात्रियों की मदद और धामों में व्यवस्थाएं बनाने के लिए सभी जोर शोर से लगे हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं और तमाम जानकारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा इन दिनों जोर शोर से चल रही है। चारधाम की यात्रा को शुरू हुए एक महीने का वक्त बीत गया। एक महीने के दौरान 16 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद चारधाम में की गई व्यवस्थाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए जाने को लेकर पर्यटन, धर्मसव, चिकित्सा, परिवहन, नागरिक उड्डयन और जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करवाई जा रही हैं। पर्यटन विभाग की ओर से सभी यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। आयुक्त गढ़वाल मंडल की ओर से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए इस साल 3 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। जल्द ही 1 करोड़ रुपए की धनराशि अतिरिक्त जारी की जाएगी। सीएम साहब ने ये कहा था कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी स्वास्थ्य विभाग ने बनाई थी डॉक्टर पांडे की अध्यक्षता में, इस एक्सपर्ट कमेटी के जो निष्कर्ष निकल के आए हैं वो आप लोग मीडिया के साथ साझा करें। दूसरा, उन्होंने ये निर्देश दिया है कि सीएम ऑफिस से, क्योंकि अब मैं सीएम ऑफिस का काम देख रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया था कि आप अपने लेवल पे सभी संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप के आप इसको कह सकते हैं, हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा हैं कि पुलिस, SDRF, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सभी विभागों का मिल के हम लोग कार्य योजना बनाए जिससे कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने बताया कि 2019 की तुलना में इस साल सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा अधिक व्यवस्थाएं की गई है। चार धाम यात्रा में 178 चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो 2019 की तुलना में 66% ज्यादा है। हम गत वर्ष यानी 2019 की तुलना में देखें तो हम लोगों ने करीब 60% अधिक फर्स्ट मेडिकल रिस्पोंडर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर, करीब 66% हमने अधिक डॉक्टर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर, करीब 33% अधिक हम लोगों ने एम्बुलेंसेज लगाई हैं यात्रा मार्ग पर इस बार, जिसमें से ज़्यादा सर ALS हमारी एम्बुलेंस हैं। 108 के माध्यम से जो हम इमरजेंसीज को टैकल करते हैं उसको करीब 170% यानी बहुत अधिक संख्या में इस बार टैकल करा गया है इमरजेंसीज को। तो जो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट मेडिकल रिस्पोंडर, टेम्पररी हेल्थ फैसिलिटीज, परमानेंट हेल्थ फैसिलिटीज, इस सब में इस बार अधिक वृद्धि करी है। चारधाम यात्रा को लेकर DGP अशोक कुमार ने यात्रा के दौरान उत्तराखंड पुलिस किस तरह से काम कर रखी है और अब तक कितने यात्रियों की मदद की जा चुकी है, साथ ही साथ यात्रा के दौरान क्या कुछ खास रहा उसकी भी जानकारी दी। मैं 94 में SP चमोली था, उन दिनों ये यात्रा इसका 1/4 थी एग्जैक्टली। बद्रीनाथ जी 5000 होते थे पीक, केदारनाथ जी 2500 होते थे, तो टोटल चारों धाम मिला के 12,500 का पीक था। आज 50,000 प्लस है। तो तब भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज आते थे, सिर्फ क्योंकि आप भी इसी स्टेट का हम सब अंग हैं, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को ये बताएं, उस पर ज़्यादा जोर दें कि भैया आप 48 डिग्री से 0 में पहुंच रहे हो या सब 0 में पहुंच रहे हो, 0 हाइट से 12,000 फुट पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना, तो आपको एक्लिमेटाइजेशन की भी ज़रूरत है। और जब अगर आपके हार्ट या लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके अवॉइड करें। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देहरादून में अधिकारियों ने सरकार और प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं हो रखी है ताकि चारधाम यात्रा के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। नासिर हुसैन, देहरादून, खबरें अभी तक।